देख रहे हैं। हो गया क्या हुआ आवाज ठीक है ना। ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए जैसा कि आज जो है आपका ये बुक वाला जो है लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो रहा है। एक क्या नाम है बुक का बुआ, 3200 प्लस है ना, सीरीज टू। हाँ ठीक है बुआ, रेलवे का जो कि सारे एग्जाम रेलवे में जो भी हो गया, एलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या टेक्नीशियन कोई भी पोस्ट के लिए हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है जो है 3200 प्लस। कितना बुआ 3200 प्लस। आज का सीरीज जो होगा प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस से। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस में क्या क्या होता है थोड़ा सा कुछ चर्चा कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें बउआ कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, सिंपल सी छोटी सी बात बताएंगे, बस उस बातों पे आपको अमल करना है। क्या करना है, छोटी सी बात बताएंगे बस उस बातों पे अमल करना, बाकी बस सारा का सारा क्वेश्चन विदाउट एनी फॉर्मूला का बनेगा। कैसे बनाएंगे, सीखने का प्रयास करोगे, ध्यान से समझोगे। जैसे कि मान लीजिए अगर दिया रहे, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात होता है लाभ और हानि का। जैसे दिया रहे 20% का लाभ, कितना दिया रहे 20% का अगर लाभ दिया रहे, समझने का प्रयास करोगे, अगर 20% का लाभ दिया रहे तो इसका फ्रैक्शन मान निकाल लेना, जो कि हम परसेंटेज में बता रखे थे। तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5 होता है, और नीचे वाली जो मान होता है ये ओरिजिनल नंबर होता है, टोटल नंबर होता है, प्रारंभिक नंबर होता है। ये सब सारी बात हम आपको परसेंटेज में बता दिए थे। तो यहां पे जो होगा ओरिजिनल चीजें होगा, ओरिजिनल क्या होगा, तो लाभ और हानि जब भी होगा तो सीपी से कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य से कैलकुलेट होगा। तो नीचे में हमेशा हमारा सीपी होगा, और ऊपर में अगर लाभ की बात बोला जाएगा तो लाभ होगा, अगर मान लीजिए 20% हानि की बात बोला जाएगा तो यह हानि होगा। नीचे में क्या होगा बुआ, क्रय मूल होगा हमेशा, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं जाए, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं जाए। तो नीचे में याद करोगे, आप लोग भी बोलेंगे ऑफलाइन वाले बच्चे, नीचे में क्या होगा बुआ, क्रय मूल होगा, और ऊपर में क्या होगा, लाभ हानि होगा। ऊपर में क्या होगा, लाभ हानि, जब तक कि कुछ बोला नहीं जाए तो नीचे में क्या होगा, क्रय मूल होगा, ठीक है ना। और अगर लाभ की बात बोला जाए, सारे बच्चे सीखोगे, अगर लाभ की बात बोला जाए, जैसे बोला जाएगा 20% का लाभ, तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो सबसे पहले अर्थ समझोगे, तो 20% का फ्रैक्शन मान देखेंगे, क्या देखेंगे 1/5। इसका मतलब है वस्तु को खरीद कर लाए 5 में, उसमें प्रॉफिट कर गया 1 रुपया, मतलब लाभ हो गया 1 का, तो हम वस्तु बेच कितना में देंगे, 6/5 में। कहने का मतलब वस्तु का क्रय मूल 5 रुपया और वस्तु बिका कितना में हुआ, 6 रुपया में। बस इस बातों को ध्यान रखना है। तो बोलो बुआ लाभ होगा तो कहां जोड़ेंगे, लाभ होगा तो नीचे से ऊपर जोड़ देंगे, और घाटा होगा मतलब हानि होगा तो नीचे से ऊपर, याद रखोगे फिर से एक बार, लाभ होगा तो नीचे से ऊपर, और हानि होगा तो, हानि होगा तो घटा देंगे, हानि होगा तो, जैसे 20% का हानि, सारे बच्चे सीखोगे 20% का हानि, तो 1/5, 5 में 20 का हानि तो कितना हो जाएगा, 4/5, मतलब वस्तु को खरीदा गया 5 में और 1 का लॉस हुआ, तो वस्तु बिक कितना में गया हुआ, 4 में। क्या इस बातों में कोई किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है बुआ, ध्यान दोगे। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते, इसका अर्थ क्या हुआ सुनोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रॉफिट लॉस का, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसको देसी भाषा में पढ़ेंगे आप, जिसको निकालना रहता है उसे कहां लिखेंगे बउआ, हम उसे, हम उसे हम कहां लिखेंगे, ऊपर, ऊपर लिखेंगे बउआ। सेकेंडों में क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, सेकेंडों में हवा में क्वेश्चन उड़ेगा एकदम, अभी आप देखेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ सर, जिसको निकालना रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे,
सर जैसे देखिए बुआ, जैसे अभी आपको बताया गया था, मानिए 20% का लाभ हुआ, जल्दी से बोलो बच्चे क्या हुआ, लाभ हुआ, तारे 20% का फ्रैक्शन मान कितना, 1/5 की 25% है, 25% का लाभ हुआ तो 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, अब लाभ हो जाएगा तो 4 की वस्तु 5 में बिकेगा तो 5/4, तो नीचे में CPR ऊपर में SP, मान ले क्वेश्चन में बोल देगा क्या क्रय मूल्य निकालो तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, 4 को कहां दे देंगे ऊपर, 5 नीचे जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो एक बार बोलोगे जिसको निकालना रहेगा उसको कहां रखेंगे, जिसको निकालना रहेगा उसको कहां रखेंगे ऊपर रखेंगे, मान लीजिए इस एसपी को ही निकालना था, एसपी ऊपर हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे कि समझ रहे, कोई दिक्कत है नहीं ना, जैसे मान लीजिए कि बोला जाएगा कि एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचे, कितना में बेचे 1200 में बेचे, और मान लीजिए कि प्रॉफिट हो गया 20% का, कितना का प्रॉफिट हो गया, तब बताओगे सीपी क्या होगा, तो यही ना, तो इसका फ्रैक्शन मान कितना है 1/5, इसका इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा 6/5, तो ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, निकालना किसे है, निकालना किसे है सीपी को निकालना है, तो सीपी 5 है तो 5 को कहां रखेंगे ऊपर, तो ये 1200 का जो है तो 1200 ऊपर में 5 और नीचे में 6, ये कट जाएगा 6 दूनी और 5 दूनी 1000 रुपया, क्या समझ में आया बच्चे या नहीं आया, तो जिसको निकालना रहेगा उसको कहां रखेंगे ऊपर, एक बात ये हो गया, दूसरी बात होता है क्या सुनोगे, दूसरी बात क्या है बुआ, ध्यान समझने का प्रयास करोगे, सीपी को हमेशा 100% मानेंगे, कितना मानेंगे, सारे बच्चे बोलोगे कितना मानेंगे 100%, ऑनलाइन भी बच्चे बोलेंगे सीपी को कितना मानेंगे 100% मानेंगे, जब लाभ की बात हो जाए प्रॉफिट की बात हो जाए, मान ले 20% का प्रॉफिट हुआ तो इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 120, आपके दिमाग में चलना चाहिए 120%, जब हानि की बात हो, मान लो कि 25% की हानि की बात हो तो तुरंत 100 में से घटा देंगे कितना होगा 75%, एक बात हमारे साथ बोलोगे 40% का लाभ 140, 50% का लाभ 150, बोलोगे 30% का लाभ 130, कोई दिक्कत है, बोलोगे 20% का हानि 80, 100 में से तुरंत घटाएंगे, मैन मुद्दा होगा 100 पे, बोलोगे 20% का हानि 30% का हानि 70, 40% का हानि 60, कोई दिक्कत है, बोलोगे 200% का लाभ 300, 400% का लाभ 140% का लाभ, अभी पूछा है आपके क्वेश्चन में है, तो क्या होगा 140% का लाभ 30% का हानि, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलो जिसको निकालना रहेगा उसको कहां रखेंगे, जिसको निकालना रहेगा कहां रखेंगे ऊपर, आ जाइए बुआ क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन आपका बताएंगे, बोला गया है एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए, बउआ इसके क्या बोला गया है कि 10% पे आप वस्तु को बेचे, सुनोगे 360 में बेचे तो 10% की हानि हो गया, आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए 10% का हानि मतलब कितना 90 में वस्तु बिका, तो बताओगे बउआ वस्तु कितना में बिक गया 90% में, ए बउआ विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, लाभ का तुलना लाभ से, हानि का तुलना, आपने 10% का हानि करके तो वस्तु कितना में बेच दिया 90 में, और क्वेश्चन के अनुसार कितना वस्तु बिका 360, 90% का मान हो जाएगा 360, तो बच्चे 1% का मान कितना होगा इनसे बताओगे, ये कटेगा 4 हो जाएगा, और दुनिया में बताए थे कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, और सीपी को भी बोले थे 100% मानने के लिए, तो बताओगे पहले सीपी निकाले तो 100% का मान कितना हो जाएगा 400, तो यही वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, तो क्या क्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है विक्रय मूल्य पूछा, कितना का 30% का लाभ, तब वह 400 का वस्तु है और 30% का लाभ करोगे तो 130% में बेचोगे, तो किसका 130% सीपी का, अरे किसका सीपी का, और सीपी है कितना 400 का 130%, ये कट जाएगा कितना होगा 13×52 520, ये हो गया बाय बेसिक, ये क्या हो गया बेसिक तरीका, अब सुनोगे इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे बच्चे, इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे ये बात आपको बता रहे सुनोगे, तो डायरेक्ट बनाने के लिए अभी बताए तो जिसको निकालना रहता उसको कहां लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, कहां लिखते हैं बुआ ऊपर लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ सर, तो सुनोगे इसका मतलब क्या हुआ, सुनने का प्रयास करोगे, जैसे बुआ
बोला गया 360 में बेचे तो रियल वैल्यू को पहले लोगे 360 रुपया, एक ही को रियल वैल्यू है ले लिए। बोला गया 10% का हानि तो वस्तु बिका कितना में होगा 90%। अभी आपको चाहिए कितना 30% का लाभ, मतलब 130% चाहिए। कितना चाहिए तो निकालना 90 को है कि 130 को, क्योंकि क्वेश्चन पूछा 130% हमको प्राप्त करना है, तो 130 को ऊपर रखेंगे और 90 को कहां रखेंगे नीचे, और परसेंट से परसेंट तो कट ही जाना, मत लिखिए। ये कट गया 0 से 0 और 9 चौके 36 और 0 13 चौका 52, एक लाइन में आंसर। क्या मजा आया या नहीं आया? अरे सही है या गलत है? सही है बुआ, आगे बढ़े। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, जल्दी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। आप लोग भी एक बार ट्राई कर लीजिए, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा, बना लिए। अभी बुआ बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक को कितना 990 में बेचता है, पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई, लाभ या हानि? बउआ 2 खिलौना है, एक पर 10% का लाभ हो गया और एक पर क्या हुआ 10% की हानि हो गई। तो बउआ मामला गड़बड़ है कि सही है? अरे मामला गड़बड़ है या सही है? तो क्या हुआ सर, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो परसेंटेज भी बताए थे, फिर से बताते हैं। एक बार जितना परसेंट का वृद्धि होगा प्लस मतलब वृद्धि, और उतना ही परसेंट का फिर पुनः कमी किया जाएगा, तो यह हमेशा कमी होता है। हमेशा क्या होता है? कमी होता है। कमी कितने परसेंट का होता है? x²/100% का। क्या इसका प्रूफ भी चाहिए? क्या प्रूफ भी कर दे? तो बताओगे प्रूफ भी हम कर देते हैं। तो मतलब हमेशा हानि ही होगा, अगर एक वस्तु पे 10% का लाभ हुआ, एक वस्तु पे 10% का हानि हुआ, तो ऑलवेज ऑलवेज हमेशा कितना कब हुआ? हानि हुआ। क्या होगा? x²। तो x के जगह पे यहाँ पे कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 100/100 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1% की हानि होगा। अच्छा ये बताओगे, ये तो 10 था, तो एक बात बताओगे 20% का लाभ और 20% के दूसरे वस्तु पे हानि, तो ऑल ओवर पे क्या होगा? कैसे? तो 20 का स्क्वायर 400 और 2 जीरो कट जाएगा, तो 4% का हमेशा हानि होगा। कितना होगा? 4% का हानि होगा। बच्चे बताओगे फिर से 15 इसका बताओगे? ऑनलाइन बच्चे भी बताएंगे, देखते हैं कि कौन बच्चे बता पाते हैं। आप लोग भी बताएंगे बुआ, चलिए लिख दे एक बार, लिखे बुआ। चलो 15% का लाभ हुआ और दूसरे वस्तु पे 15% का हानि हो गया, बताओगे क्या होगा ऑल ओवर वस्तु पे? ऑनलाइन बच्चे बताओगे, कमेंट करोगे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओगे बच्चे, बताओगे इसका आंसर क्या होगा? तो ए बउआ आप बताने का प्रयास करोगे रे? अरे आप बताओगे 15% माइनस में 15%, एक पे लाभ हुआ दूसरे वस्तु पे हानि हो गया, तो हमेशा हानि होगा कि हमेशा लाभ होगा? हमेशा हानि होगा। कितने का हानि होगा? तो x²/100%, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और 2 अंक के बाद दशमलव, है ना, 225 और बट्टा में 100%, तो ये बताओगे 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना का हानि हो जाएगा? 2.25% का हानि। क्लियर है ना? बोलो 25% का लाभ, 25% का हानि, तो 25 का स्क्वायर बोलो बच्चे 625 और 2 अंक के बाद दशमलव दे दो। सही है गलत है? एक बात बताओगे 4% का लाभ, 4% का हानि, कौन बच्चे बताओगे? 0.16% का, क्यों? 4 का स्क्वायर 16 और 2 अंक के बाद दशमलव, 0.16%। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बात इसे बताएंगे बुआ, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया एक वस्तु को 138 में बेचने पर, एक वस्तु को 138 में बेचने पर क्या हुआ? 8% की हानि हुई, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु का धनराशि कितना धनराशि में बेचा जाएगा? अभी बताए थे जिसको निकाला रहेगा उसको कहां लिखेंगे? ऊपर। रियल वैल्यू कितना है बउआ? 138 है। आप बताओगे 8% का हानि हुआ तो वस्तु कितना में बिका? 92%। आप बताओगे आप करना क्या चाह रहे हैं? 4% का लाभ, मतलब 104%। तो बताओ 104 निकालना है कि 92 निकालना है? 104, तो 104 ऊपर रखेंगे और 92% कहां रखेंगे? तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। सही बात है गलत है? हो गया। अब ये बताओ कटेगा? तो कट जाएगा। आप अगर इसको दो कितना से काटोगे जल्दी से बताओगे? हैं, 2 से काटिए कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 2 कटेगा क्या? ये 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में इसको गुना कर दीजिए,
तीन दुनी छ और पांच दिया 156 रुपया, 156 रुपया। क्या बच्चे? अरे कमेंट किसी का नहीं आ रहा है, आ रहा है? इधर नहीं दिख रहा है कमेंट, तो मुझे दिखना चाहिए, दिख नहीं रहा। अच्छा इसमें आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बाबा इसको बताने का प्रयास करेंगे, देख रहे हैं हम। इसका बताएंगे खुशबू कुमारी, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? अच्छा सी होगा। अच्छा ठीक है बुआ, देखते हैं एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। सुनिएगा बुआ, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, राजकुमार ने 41,000 रुपए में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे, उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचे, सुनोगे, बेचने पर, तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है, उसका कुल लाभ या अथवा हानि ज्ञात करें। ए बउआ, अरे क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? तब बताओ कुल लाभ या हानि। 20% अगर मजा आता, यहां भी 20% रहता, यहां भी 20% रहता, बताओ क्वेश्चन इजी था कि नहीं था? तब 20 का स्क्वायर 404% की हानि, लेकिन वो दिया है, अब चेंज कर दिया है, एक जगह 20% का लाभ, दूसरे वस्तु में 15% की हानि, क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ? बहुत अपर हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? तब वह दो वस्तु है, तो दोनों वस्तु लिख लीजिए, प्रथम वस्तु और द्वितीय वस्तु। यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां पे लिखिएगा आप, यहां पे आप लिखिए सीपी, और यहां पे लिखिए प्रॉफिट या लॉस, यहां पे लिखिए एसपी। मतलब जब वस्तु को खरीदेंगे तो कुछ ना लाभ या हानि होगा, उसके बाद वस्तु को क्या करेंगे? बेच देंगे हम, ठीक है? तो बच्चे आप बताओगे, बोला पहला वस्तु पे 20% का लाभ, तो बच्चे 20% का फ्रैक्शन मान 1/2, मतलब वस्तु को नीचे में क्रय मूल्य होता है, नीचे में क्रय मूल्य होता है बच्चे, तो नीचे में अगर वस्तु को 5 में खरीदा गया, 1 का लाभ किया गया, तो वस्तु बिक कितना में गया? 6 में। एक बात समझोगे, दूसरे वस्तु पे 15% का हानि, तो 15% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 3/20 होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि वस्तु को खरीदा गया कितना में? 20 में। क्यों 20 लिए? क्योंकि नीचे में सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। अगर वस्तु को 20 में खरीदा गया तो बोला गया हानि की बात किया गया, तो ऊपर में 3 का हानि हो जाएगा, तो वस्तु कितना में बिक गया? 17 में। लेकिन बोला जाता है बउआ यहां से विक्रय मूल्य हो गया 6 रुपया और 17 रुपया, जो कि अलग अलग है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में बोला गया दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है। अरे विक्रय मूल्य कैसा है? समान है, बराबर है। समान का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। समान का मतलब उस समान का इक्वल हो गया। तो आप बताओगे इक्वल है ये दोनों? अरे इक्वल है? नहीं है। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए इक्वल? तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इस 17 से यहां गुना कर देंगे और इस 6 से यहां गुना कर दीजिए। बच्चे आप बताओगे, आप बताओगे 17 से गुना करेंगे यहां तो, और 6 से यहां करेंगे। बउआ बताओगे इसको 6 से डिस्टर्ब कर दिया तो ये भी 6 गुना, ये भी 6 गुना, ये 17 हुआ, तो इसके साथ में जो जो भी रहेगा सब 17 गुना हो जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? देखो तो 17 × 5 = 85। दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य 120। तक टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया दोनों वस्तु का? कितना हो गया? 85 और 120 है 205। टोटल अगर 85 और 205, ये 120 जोड़ोगे तो 205 रुपए में वस्तु को खरीदा गया। लेकिन यहां से बोला टोटल वस्तु कितना में खरीदा गया? तो 200। अरे खरीद का तुलना खरीद से, तो 205 में आप दोनों वस्तु को खरीदा, और यहां से बोला 41,000 में खरीदे हैं, 41,000 में खरीदे, तो 205 = 41,000, तो 1 = कितना हो जाएगा? कोई बच्चे बताओगे? है पक्का? इसको अगर काटेंगे दो बार में गुना करेंगे तो यह आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, तो 200 हो जाएगा, 1 का मान 200 आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया लाभ या हानि ज्ञात करें। बउआ यहां पे 1 × 17 है, तो 17 रुपया प्लस में, तो प्लस 17 रुपये का लाभ हुआ, और 6 माइनस 18 रुपये का लाभ, तो बउआ बताओ 17 लाभ और 18 की हानि, तो फाइनली लाभ हुआ कि हानि? कितने का हानि हुआ? 1 का। कैसे? तो माइनस 18 का हानि और 17 का लाभ, तो 1 रुपये का हानि। दोनों का देखेंगे अंतर, तो 1 रुपये का हानि, तो यही 1 का मान निकालना, तो यही हानि हुआ, यही हानि हुआ, तो हानि का मान कितना आ गया? 200। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही ना होगा? दो दो आंसर है जी,
है, कोई भी मार लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक है जो है। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे, आगे बढ़े बुआ। चलिए इसे बताने का प्रयास करेंगे, इसे बताने का प्रयास करेंगे बुआ। बोला गया इतना रुपया में एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ प्राप्त होता है, यदि वह 30% लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ए बउआ, अरे आप बताओगे, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता ना कि ज्यादा लाभ चाहता, नहीं चाहता है, आप ही नहीं चाहते कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, एक लाख कितना है, 1,20,000 में बेचे, कितना का प्रॉफिट हो गया, बोले क्या इसके 20% का। आप सोच रहे हैं कि अरे 20% का प्रॉफिट हो, अगर 30% का प्रॉफिट करते तो कितना में वस्तु को बेचते, तो बताओ जिसको निकाले उसको कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, तो 1,00,000 ऐसे देखोगे 1,20,000 तो मिला है मुझे, ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो उस समय हम 20% में लाभ कर रहे थे, मतलब 120% में वस्तु को बेच रहे थे, आप कितना चाह रहे, 130, तो बच्चे बताओ ये चाह रहे कि ये नीचे चाह रहे, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, जिसको निकालना रहता उसको कहां रखते हैं, ऊपर रखते, याद रखो ये कट जाएगा, ये 12 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा 1,30,000 वस्तु को बेचेंगे, ताकि 12% से जाकर कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 30% प्रॉफिट, 20% से 30% प्रॉफिट हो जाएगा। अरे सही है गलत है, आंसर हो जाएगा बी, बहुत बढ़िया नीतीश का आ रहा है बी, बहुत अच्छा बुआ। खुशबू कुमारी का 1,30,000, बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़े। चले इसे बताएंगे, कौन बच्चे बताते हैं, आप लोग बताइए कितना होगा, डी होगा, बताओगे बउआ, ये भी हाल फिलहाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इधर से ऑफलाइन में बच्चे आंसर दे दिए, ऑनलाइन का बच्चे बताएंगे बी होगा, नहीं बउआ कितना होगा, डी नंबर, आप ठीक है। बोला जा रहा है नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडा खराब था। ए बउआ, अरे 18 को खरीदे 3 को खराब, तो बढ़िया कितना, 15 को, ठीक है बढ़िया अंडा 15। बोला इसी दर से यदि वह 690 अंडा खरीदती तो उसमें कितने अंडे अच्छे होते, बउआ टोटल अंडा 690 खरीदाया, तो बताओगे 18 अंडा में से कितना बढ़िया है, और बढ़िया अंडा ही निकालना है, तो जिसको निकालना रहेगा उसको कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, तो बढ़िया को निकालना के खराब को, बढ़िया को, तो 18 में से कितना बढ़िया है, 3 खराब है तो 18 में से 3 खराब, तो बढ़िया कितना, 15, तो उसी को निकालना है, तो 18 नीचे हो जाएगा और बढ़िया वाला ऊपर हो जाएगा। या तो ऐसे भी कर सकते कि 18 अंडा में 15 अंडा अच्छा है, तो 1 अंडा में 15/18, और बताओगे 690 अंडा में कितना था, 15/18 गुना में 690, बात वही हुआ, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, यूनिटी में थोड़े से बनाएंगे, लंबा हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगा, ये कटेगा कितने से, 3 से काटेंगे, ये 5, ये 6, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब 5 से गुना करेंगे तो 5 11 55 और 2 कितना हो जाएगा, 57 575, 575 बी होगा बुआ, 575, बोलिए क्या किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े। चलिए इसे बताएंगे बुआ, अरे बनेगा ना, अरे जिसको निकाला तो उसको कहां रखते हैं, ऊपर, सारे बच्चे बताओगे, ऑनलाइन बच्चे बताओगे क्या होगा इसका आंसर, इसका बताएंगे बुआ, सारे बच्चे बताओगे इसका आंसर क्या होगा, अभी आपको बताया गया जिसको निकालना रहता है उसको कहां रखते हैं, ऊपर रखते हैं, बोला गया 20% का हानि हो गया, अगर 4800 में आप बेचिएगा मशीन को तो 20% की क्या होगा, हानि होगा, क्या होगा, हानि, तो वस्तु बिकेगा कितना में बच्चे, 80% में, बोला गया 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो बच्चे कितना में वस्तु को बेचना होगा,
120 में तो दुकानदार को मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो ओरिजिनल वैल्यू 4800 है, अभी आप चाह रहे 120% में वस्तु को बेचने के लिए, तो पहले कितने में बचे थे 80 में, अरे कटेगा या नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कितने में कटेगा 600, तो ये 12×72 = 00, मतलब मशीन को 4800 में नहीं 7200 में अगर आप बेचेंगे तो कितना का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। किसी का आंसर नहीं आ रहा बुआ, आ रहा इधर क्या आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ आप लोग भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े बुआ, ये बताओगे इसमें इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल सब है बुआ, ये बुक है और जितने भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है सारे इसमें इंक्लूड है ना, तो इसमें ये नहीं देखना कि ये इजी है वो भारी है, बच्चे लिख रहे कि इससे आसान क्वेश्चन क्या जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है, लाइव अच्छा आविष्कार ही नहीं हुआ, हाँ मेरे में कमेंट ही नहीं दिख रहा है, ये यहां से आविष्कार हो जाएगा क्या इसे आविष्कार करें कितना होगा बुआ, तो बताओ वही क्वेश्चन है बन जाएगा, हाँ 660 सब बच्चे का आंसर आ रहा है, अरे 540 क्योंकि सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ओरिजिनल वैल्यू ये 10% का हानि हो गया, आप 10% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो बताओगे 10% का लाभ था कितना 110 का मान निकालना है, पहले कितना था 90, तो ये बताओगे कट जाएगा ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9×54 11×66 660, अरे सही है गलत है ए नंबर हो जाएगा, अरे सही है गलत है सबका आ रहा, बहुत बढ़िया नीतीश का आ गया, खुशबू कुमारी का आ गई, बहुत बढ़िया सारे बच्चे दोगे बुआ, इसे बताने का प्रयास करेंगे वही क्वेश्चन है, अब बताओ बुआ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बोला जाता है एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई, उसी घड़ी को 140 रुपया अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, ए बउआ आपको बताए थे कि क्रय मूल्य हमेशा 100% मानना है, कितना मानना है 100% मानना है, तो जब 100% मानना है क्रय मूल्य तो इसे क्या करेंगे समझने का प्रयास करोगे, रे आप बताओगे मुझे बोला दीपिका को 10% की हानि में, तो -10% का पहले हानि हुआ, आप चाह रहे कि 140 अधिक में बेचे तो क्या हो जाएगा 4% का लाभ में बदल जाएगा, अरे पहले हानि हो रहा था 10 का अब लाभ में बदल दिए तो -10 से +4 होने में कितना का डिफरेंस हुआ 14 का, क्यों -4 देखिएगा -10 फीट नीचे और +4 फीट ऊपर, तो दोनों के बीच का गैप कितना, मतलब -10 से +4 होने में 14 बढ़ाना पड़ा, 14% अधिक करना पड़ा, और यहां से कितना अधिक हुआ तो अधिक का तुलना अधिक से, तो 14 बराबर में 140 तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा है 10 होगा, और दुनिया में जो करे मूल बोले थे मानने के लिए क्या होता है 100%, तो 1 का मान 10 तो 100 का मान कितना हो जाएगा 1000 रुपया बी हो जाएगा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा बी, बहुत बढ़िया बुआ आ रहा है सबका, आगे बढ़े क्या बोले बुआ, अच्छा आप भी दे रहे हैं आंसर, ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है, कल से फिर दिक्कत नहीं होगा है ना, बताएंगे बुआ बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है एसपी ले लेंगे वो बराबर है किसके बराबर है 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अब क्या होगा ये कटेगा क्या कितना से 3×3 हो जाएगा और ये 5, तो आप सीपी को इधर ले थे एसपी बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चे सीपी, और यहां पे क्या होगा 5/5 ये इधर जाएगा तो क्या होगा 3, अगर एसपी मतलब बेचा खरीदा 3 में और बेच दिया वस्तु को 5 में तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ, कितने का लाभ 2 का लाभ, कहां से 3 से, जहां से रहता नीचे में सीपी होता है तो 2/3 और परसेंटेज लगाने के लिए किससे गुना 100 से गुना, तो यही होता 66 सही 2/3% होता है, तो 66.66% कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन डी हो जाएगा, अरे हानि में नहीं मार दोगे आंसर ध्यान रखोगे सही है गलत है बुआ, चलिए बहुत बच्चे का आ रहा है वेरी गुड,
ऐप पर वीडियो चला जाएगा, ऐप पर भी होगा जो है, कल से ऐप एप्लीकेशन पे भी होगा। एप्लीकेशन पे हम कुछ पढ़ा दिए थे, एक क्लास लिए थे प्रॉफिट लॉस का, ध्यान रखोगे? चलिए बुआ ध्यान रखेंगे। यूट्यूब पे प्रत्येक दिन आपका क्लास चलेगा, प्रत्येक दिन आपका क्लास यूट्यूब पे बुक का पूरा चलेगा जो है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट लॉस से आपका स्टार्ट हुआ, परसेंटेज का कुछ वीडियो है, फिर से हम परसेंटेज पढ़ा देंगे, लेकिन प्रॉफिट लॉस से अब स्टार्ट हुआ। अगला चैप्टर जो होगा वो एसआई होगा, साधारण ब्याज होगा, उससे आगे जो है चक्रवृद्धि ब्याज होगा, उससे आगे जो होगा वो रेशियो होगा। इस टाइप से एक एक करके सारा चैप्टर जो हम लोग समाप्त करेंगे। सुनोगे बुआ, बोला जा रहा है एक वस्तु को कितना 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। आई सब कर लोगे, हो जाएगा ना? ठीक है, कितना हो जाएगा? तो अरे 1785 अब 15% की हानि हुआ था, कितना में बेचा था? 85 में। आप 15% का लाभ करना चाह रहे कितना में? तो जिसको निकाला था उसको कहां रखेंगे? ऊपर। तो 115 को ऊपर रखिए, क्योंकि 115% मुझे निकालना है, और इससे पहले कितना में बेचे थे? 85 में। कटेगा 1785 हो जाएगा, ये 17 लिख दो, हाँ लिखो पांच बार में, ठीक है? और ये कितना जाएगा? 17 इकाई 17 जीरो, 17 5 85, ये कटेगा, इसी काट दो, इसको काटो, इसको 23, इसको गुना कर दो 105, तो 23 5 कितना होता है जल्दी से बताओगे? 115 का 15 बाकी तो मैं 1, 23 इकाई 23, और ये कितना हो जाएगा? 2415। ए नंबर सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। अरे इसको इजी नहीं समझना है भाई साहब, इसको बना लेना, इतना आता है मत पूछो, भारी रहता तो बुक में जरूर रहता, जो आपका पूछा गया। देखो भाई साहब 2021 में, अरे है या है नहीं है? एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन, इसे ध्यान रखेंगे। और बच्चे इसी में गलती करते, ये बताओगे कौन बच्चे बताओगे? जो बच्चे बताओगे उसे अभी का अभी जो है हम टॉफी ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन भेज देंगे, हाँ आप लोगों के लिए भी बताओ, लेकिन शर्त यही बोर्ड पे बनाना होगा। हाँ ठीक है, एक बार बनाकर कॉपी में दिखाई जल्दी से। है आ गया? अच्छा कितना होगा? अच्छा बोला गया है एक दुकान, मतलब जो है बोर्ड पे बनाइएगा, बना दीजिएगा। अच्छा अभी कर लेते हैं। कौन बच्चे आएंगे बताओ? हालत खराब नहीं होना चाहिए, कौन आएंगे? आप आइएगा, आइए 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 आइए। अरे ऑनलाइन बच्चे बताओ क्या आंसर होगा? सी बोल रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया, देख लेते हैं क्या आंसर होगा, बताएंगे। हाँ बताइए क्या है, कैसे बनाए? पांच कमीजों का विक्रय मूल्य पर है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, 20 को कमीज बेचने पर ठीक है, हमको 5 का लाभ। ठीक है ठीक है ठीक है, सेलिंग भी ठीक है, 5 का लाभ हो रहा है। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ प्रॉफिट है, हाँ ठीक है, रखेंगे 15 पे, सीपी नीचे रखेंगे, हाँ ठीक है, कटेंगे तो 1/3, हाँ 1/3, और 1/3 33 सही, 1/3% पे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबा, क्या सही है ना? चलिए एक बार ताली हो जाए इनके लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये हो जाएगा। तो करना क्या है इस टाइप का क्वेश्चन में, दो बात हम बताते हैं, केवल ध्यान देना है क्या बाबा? अगर आपका विक्रय मूल रहे तो, विक्रय मूल रहे तब थोड़ा ध्यान देना है। देखिए बेसिक एक बार बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम बताएंगे, ठीक है? बेसिक क्या है कि इसमें कॉन्सेप्ट होता है, बोला गया एक दुकानदार 20 कमीज को बेचने पर 5 कमीजे को विक्रय मूल के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखोगे लाभ किसके बराबर हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो विक्रय मूल्य मानेंगे, कि जिसके बराबर लाभ होगा उसको माने, क्रय मूल्य के बराबर होगा तो
क्रयमूल मानेंगे, क्रयमूल के बराबर होगा तो क्रयमूल, लेकिन यहां पे हुआ है विक्रयमूल। तो हम मान लेंगे कि एक वस्तु का विक्रयमूल एक रुपया, कितना हुआ, एक आर्टिकल का एसपी मानेंगे कितना हुआ, एक रुपया। तो आपने कितना वस्तु बेचा है, 20 वस्तु का आर्टिकल, कितना 20 आर्टिकल का कितना विक्रयमूल हो जाएगा, 20 रुपया। तो प्रॉफिट भी हुआ, बोला पांच कमीज के बेचने पर था, एक कमीज का एक रुपया था, पांच कमीज का पांच रुपया, इसका मतलब हुआ कि पांच रुपया का लाभ हुआ। 20 में वस्तु को बेचे तो पांच का लाभ हुआ, तो वस्तु को खरीदे कितना में है, 15 में लाए होंगे खरीद कर, नहीं समझे, 20 में वस्तु को बेचे तो 5 का लाभ हो गया। इसका मतलब है क्या, वस्तु को 15 में खरीद कर लाए थे, और प्रॉफिट या हानि किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, बुआ 5 रुपए का लाभ हुआ कहां से, क्रय मूल्य से, 15 से ही काटेंगे, तो 1/3, और 1/3 आप भली भांति जानते हैं 33 सही 1/3% को रिप्रेजेंट करता है। या तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए, तो 100/3 करेंगे, यही 33 सही 1/3 आएगा। यह हुआ आपका बेसिक तरीका, यह हुआ एक वस्तु का एक मान लिए, अगर विक्रय मूल्य रहेगा लाभ या हानि तो विक्रय मूल्य मानेंगे, क्रय मूल्य रहेगा तो क्रय मूल्य मानेंगे। सुनोगे, इसको और इजी तरीका से हम बना सकते हैं, इसको और हवा में उड़ा सकते हैं, कैसे, तो एक बार में हमरे साथ बोलोगे, हमरे साथ बोलोगे, हवा में क्वेश्चन उड़ेगा, कैसे बुआ, सुनोगे, ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, जब विक्रय मूल्य रहे तबे ध्यान देना है, क्रय मूल्य रहे तो ध्यान नहीं देना है। बोलो क्या रहेगा, नहीं सुना दिया, क्या रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा तो ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, तो देखो कितना का लाभ हुआ। इसका मतलब है 20 में बिका 5 का लाभ, तो वस्तु खरीदाया था 15 में, तो 5 का लाभ, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना कट जाएगा, 1/3, 33 से 1/3 विक्रय मूल्य रहेगा। अरे बोलो कसके, विक्रय मूल्य रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। बोलो कसके, आ क्रय मूल्य रहेगा तो सर कुछ ना, कुछ नहीं, कोई नहीं जोड़ना उड़ना है, कुछ नहीं है, बोलेगा 5 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 5/20 आंसर, कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य रहेगा यहां पे तो कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य रहेगा लाभ होगा तो घटा देंगे, हानि रहेगा तो जोड़ देंगे, क्यों। अरे मान लो कि सीधा सीधा कि 20 रुपए में वस्तु बेचे और 5 का लाभ हुआ, तो 15 वस्तु खरीदा होगा, मान लिया हानि रहता तो 5 रुपया जोड़ देते इसमें, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो सीधा सीधा अगर विक्रय मूल्य रहा तो हानि, अगर लाभ रहेगा तो डायरेक्ट घटा देंगे, कितने का लाभ, 5, तो इसका मतलब वस्तु 15 में खरीदा है, 5 का लाभ, परसेंटेज 1/3, 33 से 1/3%, सही है गलत है, सही है, आगे बढ़े ना, ठीक है बुआ, ये बताओगे हो जाएगा, वही क्वेश्चन है, बना लोगे ये आपके लिए आरडब्ल्यू, क्यों, जिसको निकालना रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, हाँ ठीक है, इसको बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15% का लाभ पहले उतना में बेचे, ये बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखोगे, ये पैटर्न बहुत पूछा जाता है, ये कई कई पैटर्न हम करवा चुके हैं। जब कुछ मान दिया जाए बुआ, क्या मान दिया जाना चाहिए, है? हाँ इसका बताएंगे, ऑप्शन डी होगा बुआ, इसका दो तरीका है बनाने का, ठीक है, एक बेसिक हो गया, एक हवा में बनाने का तरीका है। तो हो सकता है कि आप लोग को ऑफलाइन में जो है हवा वाला नहीं बताए थे, है ना, सुनोगे, बेसिक बताए थे बुआ, बोला गया किसी, ये हमेशा हर एक बच्चा गलती करता है, क्या गलती करता है अभी समझ में आएगा, सुनोगे, बोला गया किसी कार का क्रय मूल्य, किसी कार का क्रय मूल्य कितना है, कितना है, बोलोगे 1,50,000 रुपया था, राजू ने इसे 5% के लाभ पर मोंटू को बेच दिया, तो राजू बताओगे 1,50,000 का कार था, उसको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से 105% में बेच दिया, अरे लाभ करेगा 5% का, कितना में बेचेगा, 105 में, इसको काट देंगे, तो बताओ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 15×5 75, 00 तो होगा ही होगा, 15×5 75 और 15×1 15, तो 1,00,000 कितना हो जाएगा, 57,500। अब कार का दाम हो गया, अब क्या हुआ, कार का दाम हो गया, अब ये कार चला गया मोंटू के पास, और मोंटू ने क्या किया, फिर पुनः उसी को बेचा 2% की हानि पे, तो बताओगे मोंटू का तो क्रय मूल्य ये था, और 2% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/50, 50 की वस्तु 1 का हानि, तो कितना बेचेगा,
49 बटा 50 में, तो इसका 49 बटा 50 निकालेंगे, तो जीरो से जीरो कट गया, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 3, उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद 5 0, अब गुना करके बताओ कितना आएगा, बताओगे जल्दी से गुना करोगे इसको, तो अगर जीरो तो होगा ही होगा 1,30,350 इतना हो गया। अरे सही बात है या गलत है, ये हो गया। अच्छा बउआ ये बताओगे मोंटू के पास, राजू के पास, कौन था राजू था ना, राजू के पास पैसा कितना आया, अब कार खरीदेगा कितना में, तब बताओगे 1,00,000 आपके इसके पास राजू के पास इतना पैसा आ, इतना पैसा कार में लगा देगा, तब बचेगा उसके पास कितना है, इसको घटा लोगे, इसको घटाओगे तब जो बचेगा वही ना लाभ होगा भाई साहब। अरे कार है इतना, इतना रुपए मोंटू मान लीजिए इतना रुपए आपके पास है, और गए फिर से वही कार खरीदने के लिए, तो कितना में, इतना में, तो बचा कितना पैसा, तो जो बचा वही लाभ हुआ, तो कितना बचा इसको घटाओगे, तो इतना में से इसको घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, है ये 5 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, ये कितना हो जाएगा है 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, 3150 रुपए, कौन डी नंबर हो जाएगा 3150। अरे सही है गलत है, क्या ये क्वेश्चन का हवाला तरीका बताएं, क्या जानना चाहते हैं, ऑनलाइन बच्चे बताओ इसको हवा में उड़ा दें, पक्का सुनोगे, अब हमारी बातों को सुनोगे। एक होता है इक्विवेलेंट इंक्रीज का एक फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, कोई बच्चे बताएंगे क्या होता है उसका मतलब, समतुल्य वृद्धि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चे बताओगे, हाँ सक्सेसिव इंक्रीज, वही हुआ यार, इक्विवेलेंट मतलब भी लगातार होता है, सक्सेसिव मतलब भी लगातार होता है, ठीक है आप मुझे बताओगे, तो सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज या इक्विवेलेंट इंक्रीज का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में, तो या तो फिर आप लगा सकते हैं क्या एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है अब सुनोगे, तो बउआ एक बार 5% जहां प्लस रहेगा वहां प्लस देंगे, जहां माइनस रहेगा वहां पे माइनस देंगे, तो 5% का लाभ तो 5 और 2% का हानि तो माइनस 2, दो बार वन परसेंट है, और फिर बताओगे ये दोनों गुना करोगे यही दोनों के, तो यहां से ये तो माइनस में है क्या, 2 तो माइनस में है, तो यहां प्लस होता तो यहां क्या हो जाएगा माइनस में बट्टा में 100, तो आप बताओगे 5 में से 2 जाए कितना होगा 3 होगा, और 5 दूनी 10 से ही कट जाएगा तो क्या होगा माइनस में 0.1, सही बात है गलत है, तो 3 में से ये घट जाए क्या होगा 2.9%, क्या कोई दिक्कत है, तो ये हो गया, ये क्या हुआ, ये हो गया दोनों का, सुनोगे बुआ क्या हुआ, लाभ नहीं हुआ इतना, अब उसको देना होगा 5% के लाभ में से इतना चला जाएगा, इतना वो दे देगा वस्तु के मूल्य में खरीदने में लगाएगा, तो बचेगा उसके पास क्या, तो 5,000 में से इतना घटा दीजिए, बउआ गलती हो जाता है ध्यान रखोगे, टोटल में से लाभ निकालना है ना, इतना रुपए कमाए और इतना रुपए गवाए, सीधा सीधी बात समझो, तो लाभ कितने का हुआ, तो देख लो, तो इसको घटाओगे तो दूर रहता है तो एक बढ़ा के घटाओ, 3 घटाओ, 5 में से 3 जाए कितना बचेगा बताओ 2, और 10 में से 9 जाएगा 1, 2.1% का प्रॉफिट किसका 15,000 का, जल्दी से बताओ, सॉरी अरे 1,50,000 का 2.1% है ना, ये कट जाएगा ये उड़ेगा तो ये कट जाएगा, सही बात है गलत है, ये गुना कर दोगे जीरो हो जाएगा, 15 का ही 15, और बताओगे बाकी तुम्हें 1, 15, 2, 30 और 1,30,50 आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, एक क्वेश्चन इसी टाइप का आपके बुक में है, क्या हम दे बना दोगे, समय भी हो गया है कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन इसी टाइप का क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट में से इसको घटा लेंगे, ठीक है, और जो आएगा वही आपका लाभ होगा, वो डायरेक्ट नहीं लाभ समझोगे, बहुत बच्चा उसका निकालता है, वो जैसे निकाला गलत चल जाओगे बोरा में, इसका आंसर भी रहेगा, इसका आंसर ही होगा पहला वाला, ठीक है चलिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, हम लगाते तुरंत तुरंत क्वेश्चन नंबर, चलो बच्चे इसको बनाओ जल्दी से, एकदम सेम क्वेश्चन है, देखते कौन बच्चे बताते हो, इसके बाद आपका सेशन कल से स्टार्ट होगा, जल्दी से बताओगे कितना होगा डी होगा, इतना जल्दी कैसे
कैसे? अरे पांच माइनस एक, माइनस में हानि होता है चार, और माइनस में पांच गुना एक पांच, तो 0.05%। अरे हुआ या नहीं हुआ? घटाएंगे तो क्या होगा? 3. कितना बताओ जल्दी से? 95%। और आप बताओ पांच में से इसको घटाओ कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तीन है तो एक बढ़ा के घटाओ, चार घटाओगे तो पांच में से चार जाएगा तो एक, और सौ में से 95 जाएगा 0.5। इतना पर किसका इतना परसेंट? 150,000 का इतना परसेंट। सही बात है गलत है? कट गया, ई कट गया दो गो, बोले 15×5 75, 15×1 1575। क्या उड़ा या नहीं उड़ा? सही है गलत है? क्या गलत होगा? कभी नहीं होगा। अरे मजा आया या नहीं आया बच्चे? कल से चलेगा आपका और बेहतरीन से, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा कल से चलेगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऑनलाइन बच्चे बताओ कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में? ये प्रत्येक दिन चलेगा बाबा, यूट्यूब पे अभी फ्री रहेगा। आप लोग को आना है? चलिए ठीक है बाबा, मिलते हैं कल। ठीक है बाबा।